दूबे दूबे कहकर बेहोश हो रही ये महिला है हरिकेश दूबे की पत्नी अनीता दूबे, जैसे रेलवे की लापरवाही ने अपना शिकार बना लिया। पास मौजूद परिवार की बड़ी बुजुर्ग उससे कहती है, बोलिए क्या कहकर गए आपके पति? लेकिन वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रही, रह रहकर बदहवास हो रही है। बस इतना कह रही है, कहा आओ हमारे साथ रहो। ये कहते ही वो बेहोश हो गई। दरअसल जिला मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूर चांदा थाना क्षेत्र के गोपीनाथपुर गांव निवासी संतराम दुबे के बेटे हरिकेश का 4 दिन पहले नीलांचल एक्सप्रेस ट्रेन में अलीगढ़ के पास जनरल बोगी में संबल घुसने से मौत हो गई। रविवार को पिता ने गोमती किनारे बेटे के शव को मुखाग्नि दी, लेकिन आज भी घर पर वही मातम पसरा है। माता, पिता, पत्नी और दो मासूम बच्चे हरिकेश की राह देख रहे हैं। रहता था, प्राइवेट जॉब करता था, वहाँ से ट्रेन से एक शादी में लखनऊ आ रहा था, रिश्तेदार की शादी में, और रास्ते में अलीगढ़ के पास ये दुर्घटना रेलवे की लापरवाही से हुई, जबकि ऐसा नहीं होना था। संबल था वो, कैसे कांच को तोड़ते हुए आकर के उसके गर्दन में घुस गई। कैसे आप लोगों को सूचना मिली और फिर आप कैसे गए और कैसे? हमारे गांव के एक प्रधान थे, पूर्व प्रधान, उनके पास सूचना आई तो हमारे पास फ़ोन किए, तो हम उसके बाद परेशान हो गए, तो हमारा नंबर लेके गया पे वाला जो है हमारे पास संपर्क किया, तब हम लोग गए वहाँ। अब क्या कंडीशन है, क्या कहते हैं, रेलवे की तरफ से या प्रशासन की तरफ से आपको क्या मदद मिली और क्या कहा गया आगे के लिए? अभी तक तो कुछ नहीं मिला है। कल आए थे रेलवे वाले, वो 5 लाख का क्या घोषणा जी उसी के बारे में कुछ बात करने आए थे, खाता वगैरह ले गए। और उसके बाद हमारे विधायक जी हैं वो भी आए थे, आश्वासन दिए भाई आपको क्लेम करेंगे तो उसमें अच्छा पैसा मिलना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए, प्लस पतों को नौकरी भी मिलनी चाहिए। दो छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे तक के, क्या कहते हैं इनका भविष्य है, क्या कहते हैं इनके भविष्य के लिए मुआवजा मिलना चाहिए और पतों को नौकरी मिलना चाहिए। मृतक की भतीजी ने बताया कि 6 दिसंबर को हरिकेश के 4 साल के बेटे का जन्मदिन है, ऐसे में वो बार बार पिता को याद कर रहा है। बेटे का जन्मदिन साथ मनाने के लिए हरिकेश ने परिवार को दिल्ली बुलाया था, लेकिन वो अपना अरमान दिल में लेकर सो गया। उन्होंने कहा था कि शादी में जा रहे थे तो आंटी की भी आने की इच्छा थी, इनको कॉल करके बताया कि सीट खाली है, आपको आना है तो आप भी आ जाइए, बस इतनी बात हुई थी। इसके बाद कुछ बात हो नहीं पाई, लगता है कभी फिर से भी नहीं हो सकते। बच्चे के किसी जन्मदिन भी है, उसका क्या नाम, क्या उसका नाम अनमोल दुबे है, अयांश दुबे है, कल उसका जन्मदिन है, बस उसके जन्मदिन के लिए ही इन लोगों को दिल्ली बुलाए थे। अभी इन लोग भी 3 दिन ही हुआ था दिल्ली गए, इनको भी बस उसी बच्चे के जन्मदिन मनाने के लिए ही दिल्ली इन लोग पूरे फैमिली को बुलाए थे। तो शादी थी इसमें आना जरूरी है भाई, सब अपने घर की शादी में जाते हैं, अटेंड करना बहुत ज़रूरी रहता है। बस यही हम लोग नहीं जान रहे थे कि रास्ते में क्या हो जाएगा क्या नहीं, बस हम कुछ नहीं चाहते, इनको नौकरी और बच्चों का इंसाफ इतना हमको चाहिए। जब तक बच्चे पढ़ेंगे, सरकार उन्हें पढ़ाए और उन्हें अच्छी लाइफ दे, और कुछ नहीं चाहिए हमें। बता दें कि शनिवार को पोस्टमार्टम के बाद देर रात मृतक हरिकेश का शव पैतृक गांव पहुंचा था। रविवार को SDM लंब हुआ और सर्किल CO की मौजूदगी में अंतिम संस्कार हुआ था और 5 लाख का चेक भी परिवार वालों को सौंपा गया। मृतक हरिकेश दुबे की शादी साल 2013 में हुई थी। 2 बच्चे हैं, माता निर्मला देवी हार्ट पेशेंट है, पिता संतराम दुबे भाजपा के मंडल स्तर के नेता है और किसानी करते हैं। करीब 25 दिन पहले ही हरिकेश जॉब के लिए दिल्ली आया था, पर होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। रेलवे की एक चूक ने हंसते खेलते परिवार में मातम छा दिया। शरद श्रीवास्तव, सुल्तानपुर, अखबार वाला।